कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। मैं यहाँ पे गो एनालिटिक्स पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे व्यू मुझे देखो मिला है 650.1 के, मुझे 650 लाख व्यू मिला था इस पे, और इस पे वॉच टाइम भी काफी अच्छा मिला था देखने को। जैसे आप देख सकते हैं 18,000 घंटे का वॉच टाइम मिला था, और मुझे रियल टाइम व्यू आपको दिखाता हूँ, रियल टाइम व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो मैंने ऐसा क्या इस पे SEO किया था और कैसा मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग कैसे मैंने डाला था, तो इस पे अच्छा खासा मुझे व्यू देखने को मिला था। आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको अच्छे से पूरा बताऊंगा कि आप कैसे ये तरीका अपना सकते हैं। और हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक समिट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर पाएंगे बिल्कुल सही तरीके से, आप कैसे आप SEO कर सकते हैं अपलोड करके वीडियो, आप उस पर टाइटल कैसे लगाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में कैसे SEO कर सकते हैं और टैग में कैसे टैग डालेंगे, टैग कहाँ से फाइंड करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया कुछ प्रूफ आपको अपने चैनल पे, जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ टाइम पहले, इस पे काफी अच्छा मुझे देखने को रिस्पांस मिला था, जो कि मेरे उस वीडियो से अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और उस पे वॉच टाइम भी उस वीडियो से मुझे अच्छा खासा मिला है और रियल टाइम व्यू भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो आप कैसे वैसे उस तरीके का SEO कर सकते हैं अपने चैनल पे, तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। जितने लोगों का चैनल होगा सबका अलग अलग कैटेगरी का चैनल होगा, किसी का टेक का चैनल होगा तो किसी का ब्लॉगिंग का, तो किसी का कुकिंग का, तो सब लोग का अलग अलग चैनल होता है। तो आपको करना क्या है, अब आपका जो भी कैटेगरी का चैनल है उस कैटेगरी के चैनल पे आपको उसी टाइप का वीडियो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको वीडियो फाइंड करना है। तो वीडियो आपको कैसा फाइंड करना है, आपको वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक जैसा फाइंड करना, मतलब ट्रेंडिंग क्या उस कैटेगरी में ट्रेंड चल रहा है उस पर आपको फाइंड करके उस पर वीडियो अपलोड करना है। तो जैसे कि इस टाइम फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ एक ब्लॉगिंग का चैनल, ब्लॉगिंग पे इस टाइम चल रहा है बहुत तेज माय फर्स्ट ब्लॉग करके, बहुत तेज वायरल चल रहा है इस टॉपिक पे वीडियो। तो ऐसे ही आपको भी फाइंड करना, आपका जो भी कैटेगरी का चैनल है उस पर आपको फाइंड करना कि मेरा भी कोई एक वीडियो तो ज़रूर वायरल चल रहा होगा। आपको सर्च करना, अगर आपको नहीं पता है कि आप कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड कर सकते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करना अपने चैनल के कैटेगरी के हिसाब से। सो गाइस, अब हमने चैनल के कैटेगरी के हिसाब से अपना वीडियो भी फाइंड कर लिया, अब इसको आता है मेन टॉपिक इस वीडियो को अपलोड करने का। तो गाइस, अब मैं आपको अपलोड करने का तरीका बताऊंगा बिल्कुल सही तरीका क्या है। अब आपको डिस्क्रिप्शन टैग टाइटल सब कुछ कैसे लगाना है और इसी सबसे वीडियो आपका वायरल होगा। आपको टाइटल में क्या रखना है और डिस्क्रिप्शन में क्या करना है और टैग में क्या करना है, सो आपको ये सब में SEO करना पड़ेगा। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ कि SEO आप कैसे कर सकते हैं आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग से, तो ताकि आपका वीडियो काफ़ी अच्छा वायरल हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रूफ दिखाया था। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ आपको कैसे वीडियो अपलोड करना है अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल सही तरीके से। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ, मैं जो कुछ भी आपको करके दिखाऊंगा सब कुछ मोबाइल में ही करके दिखाऊंगा, आपको कुछ भी कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ मोबाइल में ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने YouTube एप्लीकेशन में चला जाना है, ठीक है। YouTube एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन नीचे का दिखेगा जहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं, तो यहाँ से आपको प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट अपलोड करना है तो शॉर्ट अपलोड कीजिएगा, वीडियो अपलोड करना है तो वीडियो अपलोड कीजिएगा, मुझे वीडियो अपलोड करना है तो यहाँ मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना वीडियो ले लेता हूँ। और यहाँ से जैसे ही वीडियो लूँगा यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो भी टॉपिक का वीडियो बनाया आप उस डालना है यहाँ पे। जैसे कि मेरा ये टॉपिक फॉर एग्जांपल मैंने डेमो वीडियो एक बनाया था, तो इसका मेरा टॉपिक है हाउ टू वायरल ए वीडियो, ठीक है। मैं मतलब बनाया हुआ वीडियो यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ YouTube। यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके मैंने थोड़ा सा टाइटल लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने टाइटल मेरा कंप्लीट हो जाएगा YouTube पर वीडियो वायरल कैसे करें। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश में भी लिखना है, जैसे कि मैंने एक हिंदी में लिखा फिर नीचे इंग्लिश में लिखा हाउ टू वायरल वीडियो ऑन यूट्यूब 2023, तो आपको इस तरीके का कुछ लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके का आप कुछ करेंगे, फिर उसके बाद इसको आपको करना क्या है, यहाँ पर हैशटैग भी लगाना है, आपको हैशटैग लगाना है वायरल वीडियो, जैसे आपका जो कुछ वीडियो का टॉपिक है उसका शॉर्ट फॉर्म में आपको हैशटैग लगाना है। जैसे कि मेरा यूट्यूब पे वीडियो वायरल कैसे करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म में मैं निकालता हूँ कोई टॉपिक छोटा सा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ वायरल वीडियो, यहाँ पे आ गया वायरल वीडियो, और एक और मैं लगा देता हूँ यूट्यूब वीडियो, ठीक है, यहाँ पर मिल गया मुझे। और एक और मैं हैशटैग लगा देता हूँ, यहाँ पे 100 कंप्लीट हो गया, आप लगा सकते हैं ऐसे ही जितना मतलब 100 के अंदर टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिप्शन में लगाना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लगाना है आपको, आपको यहाँ पे पहला लाइन का ये जो आपका जो रहेगा टाइटल आपको कॉपी करना है, ठीक है,
यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। आपको यहां पे जाना है डिस्क्रिप्शन में, आपको पहले टाइटल का जो भी टॉपिक रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है। फिर यहां पे आपको एसईओ करना है। अब आपको करना है क्या, यहां पे लिखना है योर क्वेरीज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है योर क्वेरी, ठीक है, योर क्वेरी लिख करके। अब मैं यहाँ पे पॉइंट देता हूँ और यहाँ पे एक लाइन देता हूँ। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको अब कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड क्या, वही टैग लिखना है गाइस। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एसईओ करना है, टैग लिखना है। अब टैग कैसे लिखेंगे, अपने वीडियो के टाइटल के हिसाब से टैग लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया था शॉर्ट फॉर्म में, दो तीन यहाँ पे लिख देना है वीडियो वायरल। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं वीडियो स्किप करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने योर क्वेरीज यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे योर क्वेरी करके लिखा हूँ मैंने, और इसके नीचे मैंने कीवर्ड लिखा है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कीवर्ड लिखा है मैंने। तो जो कुछ भी आपका टाइटल टॉपिक रहेगा उस हिसाब से आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, आपको इस तरीके का लिखना है। फिर उसके बाद और मैं आपको एसईओ करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना हैशटैग्स। अब इसको भी ऐसा ही करना है, ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे लाइनिंग दे देना। अब नीचे यहाँ पे हैशटैग लिखना है। अब हैशटैग लिख के मैं दिखा देता हूँ आपको वीडियो स्किप करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना हैशटैग भी कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पे हैशटैग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लगाया है वायरल UIT वायरल वीडियो, यहाँ पे ग्रो चैनल ऐसा कुछ करके मैंने लगाया है। और लास्ट में आपको यहाँ पे दो तीन हैशटैग जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लोर YT एंड यूट्यूब, ये जरूर लगाइएगा अपने वीडियो में, ठीक है, कोई सा भी वीडियो अपलोड कीजिए। तो इस तरीके का आपको कुछ SEO करना है अपने अपने डिस्क्रिप्शन में। आप ऐसा SEO कीजिएगा, आपको योर क्वेरी और हैशटैग लिख के आपको योर क्वेरी में कीवर्ड लिखना है और हैशटैग लिख के आपको हैशटैग लिखना है, ठीक है। और फिर नीचे आपको सोशल मीडिया फॉलो करने के लिए आपको दे देना अपना लिंक वगैरह, जो भी इंस्टाग्राम वगैरह का देते हो ऐसे, ठीक है। फिर इसको मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अब मैं यहाँ से आपको इस वीडियो को पब्लिक नहीं अपलोड करना है, अनलिस्टेड अपलोड करना है, ठीक है। तो अनलिस्टेड यहाँ पे देख सकते हैं मेरा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको कुछ और कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ये वीडियो वायरल अपलोड होने लगेगा। यहाँ पे आपको पूछेगा इट्स मेड फॉर किड्स, तो यहाँ पे लिख देना है नो। अगर आप यस करेंगे तो ये वीडियो किड्स के पास जाने लगेगा, मतलब बच्चे लोग के पास जाना है, तुमको बच्चे के लोग के पास भेजना नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नो करना है, ठीक है, अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद वीडियो अपलोड होने लगेगा। वीडियो अब अपलोड होने लगेगा तो फिर आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो अपना अपलोड हो रहा है कंटिन्यू, उसके बाद आपको अपने YouTube पे चले जाना है, YouTube स्टूडियो में। तो YouTube स्टूडियो में ओपन किया। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं मेरा YouTube स्टूडियो ओपन हो चुका है और मैंने अपने वीडियो पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे वीडियो अपलोड हो रहा है वहाँ पे होने दीजिए वो वीडियो अपलोड, आपका YouTube एप्लीकेशन में वीडियो अपलोड हो रहा है। और यहाँ पे मैंने YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर दिया है और फिर मैंने अपना ये वीडियो भी ओपन कर दिया। यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है वीडियो, फिर इसका आपको करना क्या है, पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, मैं वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन नाम हम लगा चुके हैं, ठीक है, और ये भी लगा चुके हैं। ऑडियंस कहाँ से आते हैं, किड्स से लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको क्लिक करना है मोर पे आपको क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आपका जो कुछ भी है आप उस हिसाब से रखिएगा कैटेगरी, ठीक है। तो मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा है तो मैं साइंस टेक्नोलॉजी भी कर दी जाऊँ। अब यहाँ पर मुझे टैक्स डालना है गाइस, मेन यही है। अगर आप टैक्स अच्छा डाल देंगे तो वीडियो पक्का वायरल हो जाएगा आपका गाइस। तो यहाँ पे आपको टैग डालना है। तो टैग आपको कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस टैग फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको चले जाना है यूट्यूब एप्लीकेशन में, ठीक है। यूट्यूब एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी आपका टाइटल है, ठीक है, आपको टाइटल वही सर्च करना है। मैं जैसे मेरा टाइटल यूट्यूब वीडियो वायरल। तो ये गाइस अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे मुझे टैग दे दिया। यहाँ आप देख सकते हैं टैग्स, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कीवर्ड दे दिया। तो ये जितने कीवर्ड्स आ रहे हैं इनमें से आपको ऊपर के चार कीवर्ड आपको लगाने हैं अपने वीडियो में। आप यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए या कुछ भी लीजिए, यहाँ से आप अपना कीवर्ड लगाइए, ठीक है। तो जैसे कि इसका लीजिए, मैं यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं जाता हूँ टैग्स में लगा देता हूँ। तो ऐसे आपका वीडियो बहुत तेज रैंक करेगा। यहाँ पे मैं टैग लगा दिया। तो ऐसे आपको टैग लगाना है अपने वीडियो में, जितने वहाँ पे कीवर्ड दिखा रहे हैं आपको लगाना है वहाँ पे टैग।
और आपका वीडियो काफ़ी अच्छा वायरल करेगा। जैसा कि देख रहे हैं मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे टैग, ठीक है, ऐसे कुछ टैग लगाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी जो है आपको रख लेना है, जो भी कैटेगरी है आपके वीडियो का, चैनल का, सब कुछ रख देना है। फिर उसके बाद कमेंट, कमेंट आप होल्ड कर दीजिए, होल्ड को ये वाला ऑप्शन पे कर दीजिए, दूसरे वाले ऑप्शन पे। फिर ऐसे ही आपको वीडियो अपलोड कर देना है। आपको टैग जरूरी वहाँ से उठा उठा के आपको 3-4 टैग वहाँ का लाके पेस्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको अपने से भी कुछ टैग 5-6 टैग लगाने हैं। फिर आपको वीडियो अपलोड होने के बाद पब्लिक कीजिएगा, देखिए आपको वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिलेगा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल सही तरीका, अगर आप इस वीडियो को ऐसे ही अगर फॉलो करेंगे या वीडियो देख के अगर आप अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका वह वीडियो अच्छा खासा रैंक करेगा और अच्छा खासा आपको व्यू और सब्सक्राइबर मिलेंगे, वॉच टाइम भी अच्छा खासा मिलेगा आपको इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। सो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर फॉलो करना ना भूलिएगा। तो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, subscribe my YouTube channel and like this video।